आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, मैं हूं त्रिशला यादव, स्वागत है आपका प्राइम टीवी में। महिला सशक्तिकरण पर तमाम वादे और दावे हैं, लेकिन धरातल पर अगर कुछ मिलता है तो वह है ढाक के तीन पात। देश भर में महिलाओं पर होने वाले अत्याचार के मामलों में बढ़त लगातार देखने को मिल रही है। चाहे वो एनसीआरबी के आंकड़ों की बात की जाए, चाहे थाने में दर्ज होने वाले मुकदमों की बात की जाए, हर जगह महिलाओं पर अत्याचार बढ़ते ही जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में नई सरकार का गठन हो गया है और इसी के साथ उत्तर प्रदेश में महिलाओं को एक बार फिर से उम्मीद है अपने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से कि क्या वो महिलाओं पर बढ़ते हुए अपराध को रोकने में सफल होंगे। गौरतलब है, जब 2017 में सीएम की गद्दी पर योगी आदित्यनाथ ने बैठा और मुख्यमंत्री का मुकुट सर पर पहना, तो उन्होंने अपनी एक महत्वपूर्ण महत्वाकांक्षी योजना का शुरुआत की, जिसका नाम था एंटी रोमियो स्क्वाड। इसका काम था मंचलों पर लगाम लगाना और महिलाओं को उनकी स्वतंत्रता बाधित ना हो इसके लिए कार्य करना। इस बार भी सीएम ने अपनी यह योजना फिर से लागू की। अब देखना यह दिलचस्प होगा कि क्या एंटी रोमियो स्क्वाड जो है वो मंचलों पर लगाम लगा पाता है या नहीं। वहीं लगातार जब से यह मुद्दा शुरू हुआ है, दोबारा सक्रिय हुआ है, पुलिस प्रशासन भी सक्रिय है। लगातार वह कोशिश कर रही है कि जो मंचले हैं उन पे रोक लगाया जाए। लगातार अलग अलग तरीके से पुलिस सक्रिय है, कई नियम और कायदे भी लाए जा रहे हैं कि जो मंचले हैं उन पर रोक लगाया जाए। कुल मिलाकर जो महिला सुरक्षा है उसको किस तरह से दुरुस्त किया जाए, इस पे ध्यान दिया जा रहा है। एक अहम और महत्वाकांक्षी योजना है ये हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की, और इसी कड़ी में कई ऐसी बातें भी सामने निकल के आई थी। 2017 में जब इस योजना की शुरुआत की गई थी तो इसके कई नेगेटिव पॉइंट्स भी सामने आए थे, हालांकि पॉजिटिव पॉइंट्स भी इसके बहुत सारे सामने आए थे। महिलाएं अपने आप को सुरक्षित महसूस करना भी शुरू कर दी थी। वहीं इसके बाद जैसे ही सरकार का अब गठन हो चुका है, उसके बाद तुरंत से ही अब दोबारा से जो एंटी रोमियो स्क्वाड है उसको एक्टिव कर दिया गया है और कई नए जो नियम कानून है उसके साथ इसको एक्टिव किया गया है। जैसे कि जो अब महिला पुलिस है वो स्कूल, मंदिर, कॉलेजों के बाहर सिविल ड्रेसेस में पेट्रोलिंग करेंगी। वो खासा ध्यान रखेंगी कि कोई भी जो मनचले हैं, जो भी इस तरह के बदमाश तरह टाइप के लोग हैं, लड़के हैं, वो महिलाओं के साथ ईव टीजिंग जैसी घटनाओं को अंजाम ना दे पाए। ईव टीजिंग भी एक बेहद अहम मुद्दा है, उससे महिलाएं काफ़ी परेशान नजर आई हैं। स्कूल और कॉलेजों के बाहर जिस तरह से महिलाओं और लड़कियों के साथ इस तरह की घटनाओं, इस तरह के अपराधों को अंजाम दिया जाता था, उसको रोकने के लिए इस बार उत्तर प्रदेश सरकार पूरी तरह से कमर कस ली है और इसी कड़ी में जो एंटी रोमियो स्क्वाड है उसको एक्टिव कर दिया गया है और कई नए नए तरीके के जो रूल रेगुलेशन है वो इसमें लाए गए हैं। जैसा कि जो पेट्रोलिंग है उसको लेकर के अलग अलग तरह से पेट्रोलिंग किया जाएगा। इसके पहले भी जो कई प्रशासनिक अधिकारी हैं, जो उच्च अधिकारी हैं, वो इस मामले को लेकर अभी नेशनल पीजी कॉलेज के बाहर, अगर बात लखनऊ की किया जाए तो नेशनल पीजी कॉलेज के बाहर भी जो पुलिस प्रशासन है, कई पुलिस प्रशासन है जो सीनियर अधिकारी है उसके साथ उन्होंने वहां पर गश्त किया, वहां की लड़कियों से बात की, कॉलेज के बाहर लड़कियों को समझाया कि किस तरह से आप अपनी सुरक्षा कर सके, उनकी सुरक्षा के बारे में भी उनको बताया गया। और जो वहां पर कम 18 साल से कम उम्र के बच्चे थे उनको ये भी कहा गया कि आप हेलमेट पहने, मनमानी ना करें। तो इस तरह से महिला अपराध को रोकने के लिए लगातार कमर कस ली है उत्तर प्रदेश पुलिस। एक जो महत्वाकांक्षी योजना है मुख्यमंत्री का, उसको पूरा करने के लिए ऐसे में देखना यह होगा कि पिछली बार जिस तरह से एंटी रोमियो के कई फायदे और कई नुकसान सामने आए थे, उस तरह इस बार क्या होता है। हालांकि पिछली बार मात्र 2 साल में एंटी रोमियो स्क्वाड बंद हो गया था, वो कहीं पर दिखाई नहीं दे रहा था। लगातार सिविल ड्रेस में
जो पेट्रोलिंग होनी है उसके लिए भी कई अलग अलग तरह के नियम बनाए जा रहे हैं। इसी कड़ी में हमारे संवाददाता ने बातचीत भी की थी कुछ महिलाओं से, कुछ लड़कियों से, जिनका ये कहना है कि स्कूल और कॉलेजेस के बाहर ईफ टीजिंग तो होती ही है, उनके साथ छेड़छाड़ होती है, लेकिन जब वो ऑटो और रिक्शे में बैठती हैं, बैठकर वो कहीं जाती है या फिर वो ट्रैवल कर रही होती हैं, उस दौरान उनके साथ भी कई ऐसी घटनाएं होती हैं जिसका वो विरोध भी उस वक्त नहीं कर पाती हैं। तो इसको लेकर भी महिलाओं का जो मांग है, युवतियां हैं, जो छात्राएं हैं, उनका मांग है कि इसको लेकर भी कुछ कायदे कानून लाए जाए, उस पर भी रोक लगाया जाए। ऐसे में अब देखना यह होगा कि जो एक महत्वाकांक्षी योजना है ये महिलाओं को सुरक्षित रखने के लिए, उसमें कितना सफल हो पाएगी उत्तर प्रदेश पुलिस। हालांकि कोई भी योजना अगर सामने आती है तो उसके प्रोज एंड कॉन दोनों निकल के बाहर आते हैं। कुछ लोगों को फायदे होते हैं तो कुछ लोगों को दिक्कतें भी होती हैं, जैसे कि पिछली बार भी कुछ दिक्कतों का सामना करना पड़ा था, जैसा कि कई जगह भाई बहन भी होते थे तो उन्हें रोक लिया जाता था, फिर डाउट किया जाता था, जिसको लेकर कई लोगों ने लगातार इसका विरोध भी किया है और कई लोगों ने इसका स्वागत भी किया है, कई लोगों को इससे फायदा भी हुआ है। वहीं एंटी रोमियो पर आरोप करने, जो एक आरोप लगे हैं वो प्रताड़ित करने के भी आरोप लगे हैं, पहले से भाई बहन को भी प्रताड़ित करने के आरोप लगे हैं। वहीं अगर बात किया जाए एंटी रोमियो स्क्वाड की, तो उसको लेकर कई तरह के जो मिथ है वो लोगों के दिमाग में थे, लोगों का अलग अलग कहना है, लेकिन जो एंटी रोमियो स्क्वाड है वो सिर्फ और सिर्फ जो मन चले हैं, जो महिलाओं के साथ, जो युवतियों के साथ बदतमीजी करते हैं, उन पे लगाम लगाने के लिए है, उन पर रोक लगाने के लिए है। तो ऐसे में अब देखना ये होगा कि किस तरह की पहल और कुछ करती है सरकार, किस तरह से उस पे रोक लगाती है, पूरी तरह से एक्टिव हो गए हैं। देखिए, एंटी रोमियो अभियान हमारे यहाँ मिशन शक्ति के अंतर्गत चलता रहा है। आज हमारे यहाँ प्राथमिकता है कि ऐसी बाजार, ऐसे कॉलेजेस और साथ ही साथ ऐसे मंदिर या पूजा के स्थान जहाँ महिलाओं का ज़्यादा आना जाना होता है, बच्चियों का आना जाना होता है, कोचिंग सेंटर्स हमारे हैं जहाँ बच्चियाँ पढ़ने के लिए जाती हैं, वहाँ पर हम लोगों की पुलिस की पेट्रोलिंग सतत रूप से रहे। प्लेन क्लोथ्स में भी महिला कॉन्स्टेबल्स जो हमारी हैं, महिला सब इंस्पेक्टर्स भी अगर नेसेसरी होती हैं तो हम वहाँ लगा रहे हैं, ताकि बच्चों या महिलाओं को ईज़ हो बात करने में, हम एक अनबायस एनवायरनमेंट में सब कुछ चीज़ें देख पाएँ और एक भय मुक्त वातावरण, एक सुरक्षा का माहौल उन लोगों को दे पाएँ। सुना कि किस तरह से जो डीसीपी सेंट्रल है अपर्णा कौशिक, वो पूरी तरह से कमर कस ली हैं और लगातार जो महिला अपराध है उसको रोकने की कोशिश की जा रही है। आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि वो नेशनल पीजी कॉलेज के सामने पहुंची और वहां पर लड़कियों से उन्होंने बातचीत करी, उन्हें समझाया कि अगर उनके साथ कोई भी मनचला, कोई भी किसी तरह की हरकत करने की कोशिश करता है तो किस तरह से उसका सामना करे, किस तरह से उसका मुकाबला करे। और उन्होंने ये भी बताया कि जो उत्तर प्रदेश की सरकार है, जो प्रशासन है, वो पूरी तरह से मुस्तैद है लड़कियों की, बच्चियों की, महिलाओं की सेवा के लिए। और उन्होंने जो 18 साल से कम उम्र के बच्चे हैं, जो गाड़ियां चला रहे थे, या फिर जो कुछ ऐसे बच्चे हैं जो स्कूटी चला रहे थे, तीन लोगों को एक साथ बैठाया था, ऐसे लोगों को भी उन्होंने रोका, उन्हें समझाया और चालान भी काटा। ऐसे में 2017 की तरह एक बार फिर से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का एक जो महत्वाकांक्षी योजना है महिलाओं को लेकर, एंटी रोमियो स्क्वाड, उसकी शुरुआत की गई है। ऐसे में अब देखना ही होगा कि कितना इसका जो प्रभाव है वो देखने को मिलेगा, कितना इफेक्टिव हो पाएगा। और एक एंटी रोमियो एक अहम मुद्दा है, एंटी रोमियो में कई तरह के ऐसे प्रोज एंड कॉन्स सामने आए। इसी कड़ी में हमारे साथ बात करने के लिए हमारे जो मेहमान है हमारे साथ मौजूद है, मैं आपका परिचय करा दूं उनसे। मीसम जैदी जी सपा से हमारे साथ मौजूद है, विवेक श्रीवास्तव जी भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ मौजूद है, आरती मिश्रा जो कि समाज सेवी है वो हमारे साथ मौजूद है। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है प्राइम टीवी में। लगातार जिस तरह से एंटी रोमियो स्क्वाड को लेकर डीसीपी सेंट्रल के साथ साथ पूरा पुलिस प्रशासन एक तरह से मुस्तैद हो गया है लड़कियों की सुरक्षा को लेकर, उस लगातार कई तरह के वादे और दावे भी कर रहा है, आपको क्या लगता है?
रहा है। विवेक श्रीवास्तव जी, पिछली बार की तरह इस बार भी दो साल में ब्रेक लग गया था, कुछ ऐसा होगा या फिर इस बार पूरी तरह से महिलाओं की मदद के लिए एंटी रोमियो स्क्वाड सामने रहेगा? देखिए त्रिशला जी, पिछली बार जब एंटी रोमियो स्क्वाड की शुरुआत की गई थी जी, तो उसका रिस्पांस दिखने लगा था, लेकिन विपक्ष ने इस विषय पे संसद में इतना हो हल्ला किया और इतनी घड़ियाली आंसू बहाए, उसमें रंजीता रंजन जी कांग्रेस की उस समय की तत्कालीन सांसद हैं, उनका भी बयान देख लीजिए, तो सरकार ने उसको स्थगित किया कुछ देर के लिए। लेकिन इधर भी ये देखा गया कि महिलाओं के बीच जब हम लोग चुनाव के दौरान गए तो उन लोगों ने एंटी रोमियो स्क्वाड के समय की अपनी जो अनुभव हम लोगों से साझा किए, उस पर सरकार एंटी रोमियो स्क्वाड को दोबारा से लागू करने के लिए उद्यत हुई। और देखिए होता क्या है त्रिशला जी, कि जो कोचिंग संस्थान है, जो मंदिर है, जो विद्यालय है, जो भीड़ भाड़ वाले स्थान है, इन स्थानों पे सौदों की छींटाकशी से ही किसी बड़े अपराध की नींव पड़ती है। यहीं से अगर इन सौदों के मंसूबों को निस्तराभूत करने का काम पुलिसिंग हमारी करेगी तो कोई बड़ा अपराध जन्म नहीं लेने पाएगा, ये भी अनुभव में आया है। ये सब सारी चीजों को देखते हुए हमारी बहन बेटियां खुले तौर पे अपना जीवन यापन कर सके, पढ़ना चाहे पढ़ सके, खेलना चाहे खेल सके, बाजार जाना चाहे जा सके, जो भी करना चाहे, मेन लक्ष्य ये है कि जब पढ़ेंगी बेटियां बढ़ेंगी बेटियां, उनको जितने स्वतंत्रता मिलेगी, जितना वो अच्छे से अपना जीवन निर्वहन कर पाएंगे, उतना ही उनको आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। तो ये चूंकि नवरात्रि लग चुकी है, माँ शक्ति की आराधना का समय है ये, और इसी शक्ति की आराधना के अवसर पर मिशन शक्ति के तहत एंटी रोमियो स्क्वाड उत्तर प्रदेश सरकार ने दोबारा से लॉन्च किया है। और पुराने अनुभवों से सबक लेते हुए, जो पुराने में शिकायत मिली थी कहीं बहन भाई को भी पुलिस ने पकड़ लिया, कहीं किसी को किया, तो ये सब चीजों से अनुभव लेते हुए एंटी रोमियो स्क्वाड दोबारा से लागू किया गया है। सबसे निवेदन है कि जो लोग भी कहीं जाते हैं, अपना आईडी प्रूफ जेब में जरूर रखें जी, कभी भी आवश्यकता पड़े तो आप अपनी आईडी दिखा सके, जिससे ये हो कि साहब आप बहन भाई हैं या कौन है, जो कुछ भी है, अपनी आइडेंटिटी हमेशा क्लियर रखें और आराम से जहां भी आना जाना हो जाएं, पुलिस आपके साथ है, सरकार आपके साथ है, बहन बेटियों की सुरक्षा के लिए उत्तर प्रदेश सरकार संकल्पित है, प्रतिबद्ध है जी। बिल्कुल आरती मिश्रा जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी, जैसा कि विवेक जी ने अभी कहा कि आप कहीं भी आए जाए तो अपना आईडी प्रूफ अपने पास रखें, आप भाई बहन है, आप दिखाएं आप सुरक्षित हैं, आपका इस पे क्या कुछ पक्ष है और एंटी रोमियो स्क्वाड महिला अपराध को रोकने में कितना सक्षम नजर आएगा? एंटी रोमियो स्क्वाड महिलाओं को सुरक्षित रखने में बहुत अहम भूमिका निभा रहा है और निभाएगा भी आगे। और जैसे कि मैं अभी श्रीवास्तव जी की बात से मैं थोड़ा सा ऐसा असहमत हूँ, क्योंकि जरूरी नहीं है कि मैं अपना परिचय पत्र हमेशा अपने साथ रखे, ये किसी के पास जरूरी नहीं है कि वो दिखा सके कि हम भाई हैं बहन है, ऐसा नहीं है। और महिलाओं की सुरक्षित है, और जैसे वगैरह में या गर्ल्स हॉस्टल है या कॉलेज है या कोचिंग है, जो एक जमावड़ा लगा रहता है लड़कों का, जो फालतू के लड़के खड़े होते हैं, लड़कियों पे टीका टिप्पणी करते हैं, उनसे ये जो है हावी साबित होगा जी। बिल्कुल मीसम जैदी जी, ये जो पहल की गई है भारतीय जनता पार्टी द्वारा, किस पे क्या कुछ कहना है आपको और ये कितनी अच्छी पहल के रूप में आप इसको देखते हैं? हमारा संपर्क अभी मीसम जैदी जी से नहीं हो पा रहा है। आरती जी, आप एक समाज सेवी हैं, आपने तमाम महिलाओं के हित में कार्य भी किया है, जिस तरह से पिछली बार कुछ लोगों को आहत भी हुई थी इसी योजना से, कई ऐसे भाई बहन थे जिनकी शिकायत थी कि उन्हें भी परेशान किया गया, तो आपको क्या लगता है इस बार जो सुधार है वो किस तरह की होगी और किस तरह से हेल्पफुल होगा? क्या जो पिछली गलती है उसको सुधार कर इस बार एंटी रोमियो स्क्वाड को एक्टिव किया गया, फिर क्या और कुछ सुधार की जरूरत है एंटी रोमियो स्क्वाड में? जी 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 बिल्कुल है, और पिछली बार भी जो एंटी रोमियो स्क्वाड जो बनाया गया था, गठन किया गया था उसका,
तो उसमें जो है ये था कि जो भाई बहन थे उनको भी परेशान किया गया था, क्योंकि वो साबित नहीं कर पाए थे। बहुत से ऐसे केस हमारे पास आए थे जिसमें कि महिला जो कि ऐसा आया था कि हम लोगों को पुलिस परेशान कर रही है, और फिर जब उनसे जब जानकारी ली गई तो वो अपने को साबित नहीं कर पाए। तो इस बार जो एंटी रोमियो स्क्वाड जो बन करके आया है, कि ये योजना जो आई है ये अच्छे साबित होगी, क्योंकि इसके साथ साथ और भी नियम कुछ बनेंगे। अभी अभी तो दो दिन ही हुआ है ये आदेश आए हुए, और अभी इसमें भी और सारे नियम जो बनेंगे जो कि लड़कियों के हित में होगा और लड़कों के हित में भी होगा। जी बिल्कुल, मीसम जैदी जी सपा से हमारे साथ जुड़े हैं। मीसम जी, ये जो कदम उठाया गया है, एंटी रोमियो स्क्वाड को दोबारा एक्टिव किया गया, इस पे क्या कुछ आपका कहना है? मीसम जी, आपको क्या हमारी आवाज आ रही है? ये जो भारतीय जनता पार्टी मौजूदा सरकार के द्वारा एक जो अहम कदम उठाया गया है महिला सुरक्षा के लिए, एंटी रोमियो स्क्वाड, उस पे क्या कुछ आपका कहना है? कुछ तकनीकी खराबी के कारण मीसम जैदी जी से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। विवेक जी, 2017 में गठन हुआ था एंटी रोमियो स्क्वाड का, जब मुख्यमंत्री की कुर्सी पर योगी आदित्यनाथ बैठे थे, उनकी एक अहम योजना में से यह योजना था। उसके बाद भी हाथरस जैसे तमाम कांड, तमाम केसेस महिलाओं के लिए सामने आए, तो जो एंटी रोमियो स्क्वाड है और तमाम महिला सशक्तिकरण से लेकर ऐसे जो योजनाएं थी, वो इस तरह की घटनाओं को रोकने में क्यों असफल हुई? पिछला जो एंटी रोमियो स्क्वाड के अच्छे परिणाम आ रहे थे जी, लेकिन लेकिन कुछ जो गलतियां हुई, कहीं बहन भाइयों को पुलिस ने डिटेन किया, कहीं नासमझी में पुलिस ने किसी को डिटेन किया, तो उस विषय को लेकर विपक्ष ने इतना हो हल्ला मचाया, इसके कारण सरकार ने एंटी रोमियो स्क्वाड को कुछ दिन के लिए स्थगित कर दिया। उसी कालखंड में हाथरस का वो कांड भी शामिल है, और अनुभव में ये आया कि एंटी रोमियो स्क्वाड के लाभ ये हैं कि जो अपराध की जो जड़ होती है, वहीं से अगर एंटी रोमियो स्क्वाड उस पर कार्रवाई शुरू कर दे तो कोई महिलाओं के प्रति बड़ा अपराध पनपने नहीं पाता और बड़ी घटनाओं पे लगाम लगती है। तो एंटी रोमियो स्क्वाड इसीलिए लागू करने का सरकार ने दोबारा प्रयास किया है, क्योंकि हम लोग अभी चुनाव के दौरान से हमें महिलाओं से बहुत अच्छा फीडबैक मिला। महिलाएं भारतीय जनता पार्टी के शासन में अपने आप को पूर्ववर्ती सरकारों से ज्यादा सुरक्षित महसूस कर रही थी, और महिलाओं का समर्थन भी खूब मिला भारतीय जनता पार्टी को। जो पुनः सत्ता वापसी हुई प्रचंड बहुमत के साथ, बिना महिलाओं के समर्थन और आशीर्वाद के संभव नहीं हुआ है। तो सरकार उस आशीर्वाद के कारण और उस जो जनादेश हमें मिला है, हम उसकी जिम्मेदारी को समझते हुए एंटी रोमियो स्क्वाड द्वारा से लेके आए हैं, पुराने अनुभवों से सबक लेते हुए, कहीं ऐसी लोगों को दिक्कत ना हो जो भाई बहनों या जो किसी उचित कार्य से गए हों। इसलिए सरकार से ने जो ये कार्य किया है, ये महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए किया, और ये अपेक्षा है कि अपनी आईडी रखने में कोई किसी को असहज नहीं होना चाहिए। हम लोग भी हैं, लेकिन विवेक जी, ये पॉसिबल नहीं होता है। कई बार ऐसा होता है, मैं ही हूँ, कई बार निकलती हूँ ऑफिस के लिए, या बच्चियां हैं जो कॉलेज के लिए निकलती हैं, मेरा ही भाई मुझे छोड़ने आता है, कई बार होता है मैं अपना आईडी लेने भूल जाती हूँ। ये पॉसिबल नहीं हो पाता है विवेक जी, कि हर बार हम अपना आईडी ही कैरी करें। जी त्रिशला जी, डीएल आप अगर स्कूटी से निकलती तो डीएल रख के निकलती है, गाड़ी का कागज रख के निकलती है, अगर आईडी भी रख लेंगी तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। विवेक जी, मैंने बात की, जब मुझे कोई छोड़ने आता है, ये छोटा सा ये छोटा सा कुतर्क है, ये रखना पॉसिबल नहीं होता है, लेकिन अगर आप रख लेंगे तो उसमें कोई बुराई भी नहीं है। जी बिल्कुल। आरती, अगर हम बात करें महिला सुरक्षा की, तो महिला सुरक्षा के लिए तमाम योजनाएं बनाई जाती हैं, तमाम पिंक बूथ, महिला सशक्तिकरण जैसे तमाम जो सुविधा है वो महिला सुरक्षा के लिए अवेलेबल है। खुले मंच से मुख्यमंत्री के साथ साथ बड़े अधिकारी भी खड़े होकर महिला सुरक्षा के लिए तमाम वादे और दावे करते हैं, लेकिन उसके बाद भी, जैसा कि मैंने पहले विवेक जी से चर्चा किया, कि हाथरस जैसे तमाम जो केसेस हैं और कई छोटे छोटे ऐसे केसेस
हैं जो सामने खुल के भी नहीं आ पाते हैं, होते हैं, किस तरह से आप इसको देखती हैं और कहां से हमारी जो असफलता है, हम असफल हो रहे हैं ऐसे घटनाओं को महिलाओं के लिए जो हो रहा है उसको रोकने में? देखिए इस टाइप की जो है उसमें जो है पुलिस की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होती है। और क्या होता है, आधे से ज्यादा केस दब जाते हैं महिलाओं को, क्योंकि शुरू से एक एक अबला का नाम दे दिया गया है तो महिलाओं में ये शब्द अपने पे हावी हो गया है कि हम अबला हैं, हम कुछ कर नहीं सकते हैं। तो वो क्या करती है कि बहुत ऐसे केस होते हैं जिसमें कि वो आधे केस तो दब जाते हैं, समाज के सामने आ ही नहीं पाते, क्योंकि नारी जो है अपनी अपनी जो है रेपुटेशन के लिए उसको जो है बोलते ही नहीं है। तो ये जो ये एंटी रोमियो स्क्वाड जो बनाया गया है इसमें ये है कि अगर मान लीजिए जैसे कि मैं श्रीवास्तव जी की बात से हूँ कि इन्होंने बोला कि आईडी अपनी साथ में ले करके चलना जी, तो जी। उसका भी एक विकल्प होना चाहिए कि अगर मान लो आईडी नहीं है हमारे पास और हम भाई बहन है तो उसको प्रूफ करके ही, अगर ये प्रूफ होता है कि ये भाई बहन है तब जो है उस पर कोई एक्शन नहीं लेना चाहिए। अगर ये होता है कि प्रूफ नहीं हो पाता कि भाई बहन नहीं है, परेशान कर रहे हैं लड़की को, तो उसके बाद कोई एक्शन लेना चाहिए, हार्ड एंड फास्ट कोई भी एक्शन नहीं लेना चाहिए। लेकिन आरती जी ये जो एंटी रोमियो स्क्वाड है उसका ये कार्य है कि जो मनचले हैं, जो परेशान कर रहे हैं, ये उनके लिए बनाया गया है, ये कहीं से इसमें ये तो नहीं है ना कि हम किसके साथ जा रहे हैं, अगर हम किसी के साथ अपनी सहमति से बैठे हुए हैं तब हमें कोई नहीं ये रोक सकता, ये उसके लिए है। बिल्कुल, हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ये मंचलों के लिए बना हुआ है जी। लेकिन पिछले 2017 में एंटी रोमियो स्क्वाड के दौरान बहुत से केस हम लोग के पास भी ऐसे आए थे जिसमें पुलिस उत्पीड़न कर रही थी जी, भाई बहन का उत्पीड़न किया जा रहा था जी, बिल्कुल ऐसी तमाम तरह की शिकायतें भी सामने आई थी जी। जी मिसन जी, हम आपके पास आएंगे, जिस जो ये एक पहल है सरकार की, मौजूदा सरकार की महिला सुरक्षा को लेकर, इसको किस तरह से देखते हैं आप? देखिए भारतीय जनता पार्टी के पास कोई काम तो अब रह नहीं गया है, इस तरह चिराग अलापने के अलावा फिर से वही एंटी रोमियो स्क्वाड निकाल रहे हैं। जो मेन मुद्दा है उस पर तो काम कर नहीं रहे, जो महिलाओं के साथ बलात्कार और हत्याएं हो रही है और लूट हो रही है, अपराध हो रहा है उत्तर प्रदेश के अंदर पूरा, आप देखिए कि अभी गाजियाबाद में एक लूट हो गई, हत्याएं हो रही है, 1 जनवरी से लेकर के मार्च तक 27 ऐसी घटनाएं आपराधिक हो चुकी है। उस पर लगाम लगाने के बजाय एंटी रोमियो स्क्वाड का ये जो जनता को भटकाने का काम है, प्रशासन को दर दर भटकाने का काम है। और रही बात अगर कोई जो सबसे बड़ा मुद्दा भी मैं देख रहा था कि चर्चा हो रही है, मैं काफी देर के बाद जुड़ पाया हूँ कि अब ये कन्फर्म करना पुलिस के बीच में रोक रोक करके डिटेन करना, भाई बहन के साथ है, कोई अपना बाप बेटी के साथ है, किस तरह से रोक रोक करके पूछना, जब तलक के एक्यूज, जब तलक के उसके साथ कोई क्राइम ना हो, कोई छेड़खानी ना हो, उसके पहले आप किसी को रोक लें रोड के ऊपर और पूछ लें, तो मानवता का हनन है, अधिकारों का हनन है, आदमी के स्वतंत्रता की आजादी फिर कहाँ रह गई? फिर तो ये हो गया कि फिर तो आप कहीं जा रहे हैं तो आपको अपने पास में लाइसेंस लेके चलना होगा, आईडी लेके चलना होगा, एक बोर्ड लगा के गाड़ी के आगे रखना होगा कि सर हम भाई बहन के आगे जा रहे हैं। मुद्दों के राजनीति करने के अलावा अभी महंगाई देखिए आप इतने चरम सीमा पर पड़ गई है, कहाँ रसोई गैस 1,000 से ऊपर हो गया, पेट्रोल 100 से ऊपर हो गया है, शिक्षा के ऊपर ध्यान नहीं दिया जा रहा है, लगातार पेपर लीक हो रहा है, उसके ऊपर कोई रोकथाम नीति है नहीं, अपराध हो जाने के बाद पुलिस के ऊपर लगाम ये लगा रहे हैं कि जो निर्दोष है या दोषी है किसी भी तरह का अधिकारी है उसका ट्रांसफर कर देना, उसका सस्पेंशन कर देना, इसी से ही न्याय नहीं मिल सकता है। अपराध को रोकने की एक मुहिम बनाई जाए, उसकी एक प्रणाली बनाई जाए, नियम बनाए जाए, नियम अनुसार काम किया जाए। मेरे हिसाब से ये कोई एक बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है एंटी रोमियो स्क्वाड का, जो भारतीय जनता पार्टी इसका श्रेय लेना चाहती है। लेकिन महिला सुरक्षा एक बड़ा मुद्दा है मीसम जैदी जी, महिला सुरक्षा एक बड़ा मुद्दा है विवेक जी, मीसम जी का कहना है कि जो भारतीय जनता पार्टी है वो मुद्दे से भटकाने के लिए एंटी रोमियो स्क्वाड को दोबारा सक्रिय की है, क्या कहना आपका इस पे? समाजवादी पार्टी की जो सोच है, जिस तरह के लोग उस दल में हैं, उसी तरह का विचार मीसम जी ने यहाँ रखा है, मुझे उनके विचार से जरा भी आश्चर्य नहीं हुआ। मैं पहले से पीछे तक समाजवादी पार्टी के लोग कुछ इसी तरह के बयानबाजी इस मुद्दों पे करेंगे। जहाँ तक भारतीय जनता पार्टी उसकी सरकार की बात है तो हम महिला सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए संकल्पित हैं
और हम अपनी बहन बेटियों की सुरक्षा सुनिश्चित करेंगे और इसके लिए जो कड़े से कड़ा कदम उठाना होगा उठाएंगे। और रही बात जैसे कि जो आज इस विषय पर चर्चा हो रही है एंटी रोमियो स्क्वाड, देखा ये गया है कि विद्यालय जब छूटने का समय होता है तो कुछ गार्जियन अपनी बहन बेटियों को लेने के लिए वहां खड़े होते हैं, उसी भीड़ का आड़ लेकर के कुछ सौदे भी वहां खड़े होते हैं। ऐसे अवसर पे उन सौदों की पहचान हो सके, उनको वहां पे गैदरिंग करने से रोका जा सके, बहन बेटियां सुरक्षित विद्यालय कोचिंग संस्थान मंदिर बाजार आ जा सके, ये सब सारी चीजें सरलता से हो सके, इसके लिए एंटी रोमियो स्क्वाड बनाया गया है। बड़े बड़े अधिकारी खुद इसमें जाकर के फीडबैक ले रहे हैं और बच्चियों से वार्ता कर रहे हैं। इसमें एक हल्की से अपेक्षा ये रखी गई है कि आप अपनी आईडी मौका पड़ने पे बता सके। आईडी कोई जरूरी नहीं कि आपका आधार कार्ड ही हो, तमाम तरह की आईडियां अप्रूव्ड हैं, आप कोई भी आईडी दिखा करके बता सकें कि हम भाई बहन हैं या हम जो भी हैं रिलेटिव हैं। ऐसी स्थिति में आपको पुलिस तंग न करे, बिल्कुल विवेक जी होता है। मैं आपके बात से एकदम सहमत हूँ। मैंने आप लोगों का पक्ष भी सुना। इसके पहले मैं आपको एक बाइट जो हमारे संवाददाता ने बच्चियों से बात की है, पहले मैं वो आपको सुनवाना चाहूंगी कि क्या कुछ कहा है उस बच्ची ने। मैं अपने पीसीआर को कहूंगी कि वो बाइट पहले सुनवाया जाए। कल उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से रोमियो स्क्वाड को फिर से एक बार सक्रिय किया गया और साथ ही साथ जो तमाम महिला विद्यालय हैं और तमाम स्कूल हैं वहां सादी वर्दी में महिला पुलिस को पेट्रोलिंग पे लगाया गया और साथ ही साथ उनकी निगरानी में जो मंचले होंगे उन पे कार्रवाई की जाएगी कि अगर कोई छेड़खानी करते हुए पकड़ा गया तो उसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। इसी क्रम में हमारे साथ कुछ महिलाएं लड़कियां हैं, आप अपना नाम बता दें। मेरा नाम रिया कश्यप है। अच्छा रिया, आप स्कूल कॉलेज में होंगी तो आप रोमियो स्क्वाड बना है, आप उसके बारे में सुनी भी होंगी, कैसे देखती हैं, कहाँ तक ये सफल हो पाएगा और किस तरह की दिक्कतें स्कूलों में आती हैं? जहाँ तक मैं जानती हूँ कॉलेज के और स्कूल्स के बाहर ज़्यादातर लड़के खड़े होते हैं, पर अभी कुछ टाइम से जब से योगी सरकार आई है तब से कम हुआ है खड़ा होना, लेकिन अगर ये कुछ दिन तक और चला तो शायद और भी इफेक्टिव होगा। इफेक्टिव होगा, हाँ। किस क्लास में है आप? मेरा बीकॉम लास्ट ईयर है। तो कल आप अपने कॉलेज गई होंगी, वहाँ तमाम जगहों पे महिला पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया था, ऐसा कुछ देखने को आपको दृश्य मिला या कुछ ऐसे गाइडलाइन दिए गए स्कूल प्रशासन की तरफ से, कॉलेज प्रशासन? हाँ, अभी कहीं कहीं कॉलेजों में मतलब हम लोग रास्ते से जाते हैं तो और भी कॉलेजेस पढ़ते हैं उनके बाहर तो देखा अभी पुलिस खड़ी होती है, पर अभी हमारे कॉलेज के बाहर ऐसा नहीं हुआ है, शायद जल्दी ही हो खड़े हों। जी आप अपना नाम बता दें और क्या कहना है रोमियो स्क्वाड पे? मेरा नाम स्वाति कुमारी है। रोमियो स्क्वाड इस समय बहुत ही मतलब इफेक्टिव चीज़ है, चाहे तो जैसे कि हमारे यहाँ हमारे कॉलेज के सामने भी काफ़ी लड़के खड़े होते हैं, आपने देखा होगा। और क्या ज़्यादा बस सही है। अगर बात की जाए दिक्कतों की तो आप एक विद्यार्थी हैं, क्या दिक्कतें आती हैं? ज़्यादातर तो ऑटो में ही दिक्कत आती है, ऑटो में बैठो बस कई सारे लड़के बैठते हैं तो कभी टच कर दिया कभी कुछ भी, ऑटो में दिक्कत होती है ज़्यादातर। कॉलेज वगैरह में तो उतना कम नहीं होता है, उतना ज़्यादा नहीं होता क्योंकि हम लोग गर्ल्स कॉलेज में पढ़ते हैं तो ऑटो में ज़्यादा दिक्कत है। रास्ते पे चलते वक्त कोई कमेंट पास करता है, पास कर देते हैं, देखते हैं घूर घूर के, तो ये अच्छा नहीं लगता। हम लोग को भी अंदर से लगता है कि हम लोग कहाँ चल रहे हैं, किन किन के बीच चल रहे हैं, तो ये अच्छा नहीं लगता है। ये हो, हम लोग चाहते हैं कि हाँ ये एक्टिव हो दोबारा से। जी तो हमारे साथ कुछ लड़कियां थी, इनका साफ तौर पे कहना है कि एंटी रोमियो स्क्वाड को जो फिर से सक्रिय किया गया है वो कहीं ना कहीं कारगर साबित होगा और आए दिन ऐसे दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है, तो प्रशासन की तरफ से उनकी तरफ से कहना कि प्रशासन की तरफ से ये एक बेहतर काम होगा। कैमरामैन दीपक के साथ विभान सुप्राइम टीवी लखनऊ। आप लोगों ने सुना कि जो महिलाएं जो लड़कियां हैं जो बच्चियां हैं स्कूल कॉलेजेस में पढ़ने वाली, उनका ये कहना है कि कई बच्चियों के स्कूल कॉलेजेस के बाहर ऐसा होता है कि कुछ लड़के खड़े रहते हैं उनके साथ बदतमीजी करते, एक अच्छी पहल है, लेकिन साथ ही साथ उनका ये भी कहना है कि जब वो ऑटो रिक्शा या फिर किसी ऐसे जो ट्रांसपोर्ट है जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है उसके माध्यम से ट्रेवल करती हैं तो लोग उनको घूरते हैं, उनको गलत तरह से छूते छाते, इस पर भी रोक लगाया जाए, तो उस पर क्या कुछ
कहना है आपका विवेक जी, और किस तरह की पहल इसके लिए भी करना चाहिए? सिर्फ ये एंटी रोमियो एक ऐसी चीज नहीं है जो पूरी तरह से लगाम लगा दे महिला अपराध पर। जो महिलाएं हैं जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट में ट्रेवल करती हैं, उनके लिए भी बहुत जरूरी है सुरक्षा। क्या कहना चाहेंगे आप इस पे? देखिए त्रिशला जी, अभी ये एंटी रोमियो स्क्वाड का प्रथम चरण है जी, जो विद्यालयों पे, कोचिंग संस्थानों पे, मंदिरों के बाहर, बाजारों में लागू किया गया है। और आपने देखा होगा कि पूर्ववर्ती सरकार में मुजफ्फरनगर का दंगा ही पूरा महिलाओं के साथ छेड़खानी के कारण हो गया जी। और उसी दंगे, उसी छेड़खानी में जो भूमिका रही सरकार की ना रोक पाने की, उसी के कारण पूरा दंगा हो गया और सैकड़ों की संख्या में लोग उससे प्रभावित हुए और हजारों लोग मतलब बेघर हुए, वो सब देखा गया। तो कहने का मतलब ये है कि अगर हम इस अपराध को उसकी जड़ पे ही प्रहार करके रोक सके। अब रही बात जो बच्ची ने प्रश्न उठाया है कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट में आते जाते हुए हमें ऐसी कोई समस्या आती है कि लोग घूरते हैं, लोग टच करने की कोशिश करते हैं, उसकी ये फीडबैक भी बहुत अच्छा उस बच्ची ने दिया है। इस फीडबैक को हम भी अपने माध्यम से ऊपर तक भेजेंगे और ये आपके चैनल के को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने फीडबैक सबके सामने लाया है। पुलिस प्रशासन के भी लोग इस फीडबैक को लेंगे। आगे प्रयास ये किया जाएगा कि ऐसे जो रूट हैं जिन ट्रैक पर ऐसी कोई शिकायतें मिल रही है उसमें पब्लिक ट्रांसपोर्ट में महिला पुलिसकर्मी भी सादे वर्दी में आने जाने की व्यवस्था अपनी रखें, जिससे उस ट्रैक का, उस रूट का, इस ट्रैक का फीडबैक अगर कोई है बच्चियों की तरफ से आ रहा है तो पुलिस तक पहुंचो, पुलिस उस पर समय रहते कार्रवाई कर सके। ले लेकर के सारी बात ये है त्रिशला जी, उत्तर प्रदेश की योगी सरकार की प्राथमिकता है कि बहन बेटियों बच्चियों की सुरक्षा सुनिश्चित हो, उनके साथ कहीं कोई छेड़खानी ना हो, कहीं कोई अभद्रता ना हो और कहीं कोई ऐसी वारदात ना पनपने पाए जिसका हस्त मुजफ्फर नगर कांड के रूप में हो जी, बिल्कुल। तो ये सब सरकार इसके लिए प्रतिबद्ध है। एंटी रोमियो स्क्वाड शुरुआत कर दी गई है मिशन शक्ति के तहत। माँ दुर्गा का पर्व चल रहा है, शक्ति की आराधना का पर्व है और उस नारी शक्ति का सम्मान करते हुए सरकार ने ये पहल शुरू कर दी जी, बिल्कुल। आगे इसमें जो जो फीडबैक आएगा उसके अनुसार सरकार सुधार करेगी और बहन बेटियों की सुरक्षा सुनिश्चित करेगी जी, बिल्कुल। इसके लिए हम प्रतिबद्ध हैं जी, बिल्कुल। आरती जी, हम आपके आपसे पूछना चाहेंगे कि जिस तरह से आपने सुना कि बच्ची ये कहती हुई नजर आई कि वो स्कूल बाहर, स्कूल कॉलेजेस के बाहर तो आप रोक लगा लेंगे, आज एक्टिव है, लेकिन जिस तरह की अभद्रता बच्चियों के साथ, महिलाओं के साथ पब्लिक ट्रांसपोर्ट में होता है, उसका क्या? कब तक महिलाएं लोगों की गंदी नजरें झेलती रहेंगी और इसके लिए कब कोई कानून बनेगा? क्या राय है आप पर, आपकी इस पर? नहीं है, क्योंकि अभी जो बच्चियों का मैंने स्टेटमेंट सुना, बच्चियां बोल रही थी कॉलेज के बाहर, ये तो सच है कि कॉलेज के बाहर तो पुलिस कर्मी खड़े रहते हैं सिविल ड्रेस में, लेकिन क्योंकि मैंने खुद देखा है कि ऑटो पे लड़कियां बैठती हैं, लड़के बगल में बैठ करके धक्का मुक्की कर रहे हैं, दूसरे से कमेंट कर रहे हैं, फंसे फंसे कमेंट कर रहे हैं, तो वहां पर उनकी सुरक्षा के लिए कुछ ऐसा कड़ा कानून बनना चाहिए कि उससे जो है लड़कियां, जो बच्चियां हैं वो सुरक्षित रहें। क्योंकि जैसे कि ट्रांसपोर्ट वगैरह में ये ऑटो वगैरह में जो बच्चे बच्चियां बैठती हैं, मैंने खुद देखा है कि बच्चियों को लड़के मंचले लड़के बैठते हैं, धक्का मुक्की कर रहे हैं और वो बेचारे कुछ बोल नहीं पाती है। तो इसके लिए अब हमारी सरकार को सख्त से सख्त कानून बनाना चाहिए, इसके लिए सख्त कानून होना चाहिए जी, बिल्कुल। आरती जी, ये तो होना ही चाहिए, सख्त से सख्त कानून की अगर हम बात किया जाए तो तमाम ऐसी चीजें, चाहे कोई कितने भी दावे हो, किसी की तरफ से कितने भी वादे हो, लेकिन बात अगर महिला सुरक्षा की आती है तो कहीं ना कहीं फेल होते नजर आते। इसीलिए छोटी छोटी बच्चियों के साथ, 3 साल से ले कि बच्ची के साथ रेप की घटनाएं जैसे सामने आती है, 60 साल की जो महिला है, वृद्ध है, उनके साथ जो घटनाएं सामने आती है, एक बेहद ही दर्दनाक घटना सामने आई थी जहां पर एक 60 वर्ष की महिला के साथ रेप की घटना को अंजाम दिया गया था। ऐसे में क्या कुछ जो सामने निकल के आता है, उनके लिए क्या कुछ कैसे कानून आने चाहिए? विवेक श्रीवास्तव जी, किस तरह की और पहल करना चाहिए, किस तरह की पहल से इस तरह के अपराध को रोका जा सकता है? संसद ने कानून बनाने में कहीं कोई कमी नहीं की है, पास्को एक्ट बना है, उसमें मृत्युदंड तक की व्यवस्था है
कड़े से कड़ा कानून संसद बना के। विवेक जी, ये तो बात तब की हुई ना जब हो जाता है, जो पोस्को एक्ट की आपने बात करी, ये तब की बात है जब क्राइम हो जाता है। पहले ऐसा क्या कुछ कदम, जैसे कि अभी एक एंटी रोमियो स्क्वाड जो एक अच्छी पहल की गई है भारतीय जनता पार्टी के द्वारा, कुछ कठिनाइयों का भले से सामना करना पड़ा था लेकिन फायदे भी बहुत हुए थे, बहुत हद तक महिलाओं को इसका फायदा हुआ था, वो तो बिल्कुल सही, लेकिन क्यों ऐसे कोई पहल नहीं सामने आते हैं कि लोगों की हिम्मत ही ना पड़े महिलाओं के साथ ऐसी घटना को अंजाम देने की? नहीं, बिल्कुल बिल्कुल त्रिशला जी, उसी दिशा में उत्तर प्रदेश की पुलिस आगे बढ़ रही है जी। जरूरत उन कानूनों पे इम्प्लीमेंट करने की है जी। कानून बहुत बने हुए हैं, जरूरत उन कानूनों पे अमल करने की है, उनको समाज में लोगों के बीच जाकर के बताने की और उसकी कड़ाई से अनुपालन कराने की, और योगी आदित्यनाथ जी की सरकार वही कराने जा रही है। एंटी रोमियो स्क्वाड इसी दिशा में एक पहल है, लोगों को इस दिशा में जो कानून बनाए गए हैं उनका अनुपालन सुनिश्चित कराने के लिए एंटी रोमियो स्क्वाड बनाया गया है। बहन बेटियों के साथ कोई भी छेड़खानी, कोई भी अभद्रता उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ की सरकार बर्दाश्त नहीं करेगी। पुलिस प्रशासन के लोग मुस्तैद हैं, उसका उचित जवाब देंगे। अगर आप कोई ऐसी हरकत करेंगे तो उस हरकत के लिए आप स्वयं जिम्मेदार हैं, तो आपके साथ उत्तर प्रदेश की पुलिस कानूनों के अनुपालन के तहत कार्रवाई करेगी जी। बिल्कुल आतिश जी से इन्होंने कहा कि कानून बनाई जा रही है, सख्त से सख्त कानून बनाया जा रहा है, कोई ऐसी अपराध करता है तो उसको सजा मिलेगी, लेकिन ऐसा क्या कुछ होना चाहिए कि लोगों की हिम्मत ही ना पड़े महिलाओं के साथ किसी भी घटना को अंजाम देने की? देखिए, इसके लिए बिल्कुल कानून की व्यवस्था होनी चाहिए और ऐसा कानून बनना चाहिए कि बलात्कारी या एक बार लड़कियों को छेड़ने के लिए मनचले एक बार जरूर सोचे कि मेरा हर्ष क्या होगा, उस टाइप का कानून बनना चाहिए जी। भाई, अगर बात किया जाए कि तमाम जो और तरह की अपराध है, एंटी रोमियो स्क्वाड के कई अपने अच्छे फायदे भी थे तो कई अपने, हर जो जो भी लॉज आते हैं उसके प्रोज एंड कॉन्स तो होते ही हैं, लेकिन जो अभी इस वक्त की सबसे अहम घटना है लगातार महिलाओं के साथ होता हुआ आ रहा है, आरती जी किस तरह की और कोई नई नीति लानी चाहिए जिसके तहत महिलाएं सुरक्षित होकर रात के 12 बजे भी सड़कों पर घूम सके? देखिए, महिलाओं के साथ जो अपराध आए दिन होते रहते हैं उसके लिए मैं बार बार यही बोल रही हूँ कि ऐसा सख्त से सख्त कानून आना चाहिए, जैसे बलात्कारियों को सीधे फांसी की सजा होनी चाहिए जिसमें दूसरे की किसी को करने की ऐसी हिम्मत ही ना पड़े, क्योंकि हमारे देश की हमारे राज्य में कोई ऐसा सख्त कानून बना नहीं है, अपराधी जो है निर्लिप्त घूमते रहते हैं, इसलिए लोगों की हिम्मत पड़ती है ये सब कानून की, क्योंकि धज्जियां उड़ाते हैं ये सब, क्योंकि ऐसा कोई कानून बना ही नहीं है। और मैंने खुद देखा है कि बहुत से अपराधी जो कि इस तरीके से कांड करते हैं और उसके बाद बिल्कुल वो जो है निश्चलता से बिल्कुल वो घूमते रहते हैं, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। हमारे कानून व्यवस्था पर उठ रहा है, तो उसपे क्या कुछ कहना है आपका? देखिए त्रिशला जी, हमारी जो पिछली सरकार थी उसमें ये देखा गया कि जिसने भी अपराध किया वो जेल की सीटों के पीछे पुलिस के द्वारा पहुंचाया गया। हमारी सरकार में किसी अपराधी को संरक्षण देने की एक भी घटना आप नहीं बता सकती जिसमें सरकार ने किसी अपराधी को संरक्षण दिया हो और अपराधी अपराध करने के बाद खुलेआम घूम रहा हो जी। मैं फिर विश्वास दिलाता हूँ कि एंटी रोमियो स्क्वाड महिलाओं के प्रति जो छेड़खानी या जो सौदेगिरी वाली जो भावनाएं हैं उस पर रोक लगाने की दिशा में कदम उठाएगी, ताकि जो बड़े अपराध महिलाओं के प्रति जिनकी शुरुआत जहां से होती है वहीं पर उसको रोका जा सके, और महिलाओं का सम्मान समाज में जिस तरह से हम अपनी बहन बेटियों को नारी शक्ति के रूप में देखते हैं, शक्ति की उपासना का पर्व है, उसी तरह से ये शक्ति की उपासना के दिशा में कदम उठाते हुए कि हमने ये एंटी रोमियो स्क्वाड दोबारा से लॉन्च किया है, और उन बहन बेटियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना हमारी सरकार का और हमारी पुलिस का कर्तव्य है
जी बिल्कुल, ये तो कुछ समय बाद ही पता चलेगा कि एंटी रोमियो स्क्वाड जिस तरह 2017 में शुरुआत की गई थी, इस बार भी दोबारा उसको एक्टिव किया गया, उसके कितने फायदे होंगे। आरती जी, एक फाइनल कमेंट मैं आपसे चाहूंगी कि किस तरह के और इम्प्रूवमेंट जो है वो जो एंटी रोमियो स्क्वाड है उसमें करना चाहिए, और किस तरह के और जो सुविधाएं है, सुरक्षा की जो व्यवस्था है वो महिलाओं को देनी चाहिए। महिलाओं की सुरक्षा बिल्कुल होनी चाहिए, क्योंकि महिलाएं चाहे किसी की भी, क्योंकि मैं एक समाज सुधारक हूँ और मुझे किसी पार्टी से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन किसी भी उसमें पार्टी में महिलाएं सुरक्षित अपने को महसूस नहीं करती हैं। क्यों? इसके पीछे भी ये रीजन है, कोई सख्त कानून नहीं बनता है, महिलाओं के पक्ष में कोई कानून नहीं बनता है, और ये एंटी स्क्वाड रोमियो का भी जो ये जो भी आज तक कानून आया है, इसका कितना फायदा होता है ये तो आने वाला समय बताएगा। और अगर इसका फायदा मिला था 2016-2017 में ये एंटी रोमियो स्क्वाड बना था, अगर इसका फायदा मिला था तो फिर ये बंद क्यों हुआ? जी, अगर इसका फायदा महिलाओं को मिल रहा था तो फिर इसको बंद क्यों कर दिया गया? एक महीना, डेढ़ महीना इसको खुबलक करके लोगों को, मनचले लड़कों को पकड़ा दिया गया, भाई बहनों को भी परेशान किया, इवन हस्बैंड वाइफ को परेशान किया गया पुलिस द्वारा। फिर अगर ये इतनी अच्छी व्यवस्था थी तो ये बंद क्यों की गई? जी बिल्कुल, अब बिल्कुल विवेक जी, जैसा कि आपने सुना कि जो आरती जी है वो समाज सेवी है, वो लोगों की मदद करते हैं, उनका किसी पार्टी से कोई संबंध नहीं है। उनका ये कहना है कि इसको और एक्टिव किया, उस पर एक फाइनल कमेंट दे आप, और एंटी रोमियो जो 2 साल था, 2 साल में बंद क्यों हुआ? अगर ये इफेक्टिव था, अगर सच में ये कानून महिलाओं के लिए व्यवस्था को सुधार रहा था तो ये बंद क्यों हुआ? मैं उनके उस कमेंट को सही कर दूं, एंटी रोमियो स्क्वाड की शुरुआत 2017 में हुई थी, 17-18 दोनों वर्ष चला, और इसके पर में देखा गया जो विपक्ष का जो इसको विधवा विलाप था, इसमें विपक्ष में संसद तक में इस पर प्रस्ताव लाया और इसकी तमाम पे बड़ा सफी निकाली, उसमें एक बिहार से सांसद हैं थी उस समय तत्कालीन नंदिता रंजन जी, उनका बयान आप पार्लियामेंट का देख लीजिए किस तरह का उन्होंने विधवा विलाप इस पे पार्लियामेंट में किया है। इन सब तमाम चीज़ों को देखते हुए सरकार ने इसको होल्ड किया था, लेकिन अभी इधर चुनाव में जब हम लोग महिलाओं के बीच, समाज के बीच गए, तो महिलाओं ने इस एंटी रोमियो स्क्वाड की जो उस समय के अनुभव थे जो हम लोगों से साझा किए, उसके बाद सरकार इस नतीजे पर पहुंची कि नहीं, इसको दोबारा से लागू किया जाए, और जो भी गलतियाँ उस दौरान हुई, चाहे भाई बहन को डिटेन किया गया, चाहे पत्नी को डिटेन किया गया, चाहे किसी भी संबंधी को डिटेन किया गया, तो उस अनुभवों से सबक लेते हुए इस बार की एंटी रोमियो स्क्वाड के दिशा निर्देश भी अच्छे दिए गए हैं। पुलिस कुछ अधिकारी भी उतर करके मौके पर फीडबैक ले रहे हैं और उसको अच्छे से लागू किया जाए, इसके लिए प्रयास कर रहे हैं। इसमें सबकी अपेक्षा है, हम लोगों की भी अपेक्षा है कि लोग अपनी आईडी रखें मौके पर, और ताकि ये पुलिस वालों को भी सहूलियत हो कि वो जान सके कि नहीं साहब, आप भाई बहन ही हैं, आप पति पत्नी ही हैं, या कोई भी जो भी आपके रिलेशन आप बताना चाहते हैं वो आपके डॉक्यूमेंट से पता चले। इतना सहयोग आपको भी करना चाहिए, पुलिस आपकी सुरक्षा के लिए, आपके आपको इस छिटाकसी से बचाने के लिए मेहनत कर रही है, सरकार आपके साथ है, पुलिस आपके साथ है, आपको भी पुलिस और सरकार का सहयोग करना चाहिए। जी बिल्कुल, आप सभी लोगों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, इस अहम मुद्दे पर हमारे साथ बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो वहीं हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से विवेक श्रीवास्तव जी भी जुड़े थे, जिनका ये कहना है कि इस बार एंटी रोमियो स्क्वाड को और इम्प्रूवमेंट के साथ लोगों के सामने रखा जाएगा और इम्प्रूवमेंट के साथ अब कार्य किया जाएगा। वही साथ ही साथ कई लोगों ने इस पे सवालिया निशान भी उठाया है, और हमारे साथ समाज सेवी भी जुड़ी थी, उनका ये कहना था कि अगर एंटी रोमियो स्क्वाड इतना ही इफेक्टिव था, उसके जरिए काम हो रहा था, तो 2 सालों में बंद क्यों हो गया? हालांकि ये जो एंटी रोमियो स्क्वाड है, ये मुख्यमंत्री का एक महत्वाकांक्षी योजना है जिसके तहत महिलाओं के खिलाफ हो रहे अपराध को रोकने की कोशिश की जा रही है, महिलाएं अपने आप को सुरक्षित महसूस करें इसकी कोशिश की जा रही है। अब देखना यह होगा कि जो एंटी रोमियो स्क्वाड है वो कितना ही और इम्प्रूव तरीके से दोबारा एक्टिव किया गया है और वो कितना फायदेमंद
फायदेमंद साबित होगा महिला अपराधों को प्रदेश में रोकने के लिए। आज की हमारी चर्चा में आप सभी को जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगले वीक नए मुद्दे के साथ आप सभी के साथ मुलाकात होगी। धन्यवाद। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।